प्रोवाइड भी कर देती है वो सामग्री, कॉन्ट्रासेप्टिव में जो भी माला है, छाया है, कॉन्डम है, ईसी पील्स है, तो जैसे ये कॉन्डम है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। इसके लिए अस्पताल में कॉन्डम बॉक्स भी लगाए जाते हैं, जहाँ से बिना किसी को कोई भी कुछ भी बताए कोई व्यक्ति अपना इस्तेमाल मतलब के लिए ले सकता है। हमारा इस पखवाड़ा का उद्देश्य यही है कि जो अनियंत्रित बढ़ती जनसंख्या है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको स्थिरीकरण बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप बच्चे ही नहीं पैदा करें, लेकिन वो अनकंट्रोल जो है, जो 4-5 का जो कॉन्सेप्ट पहले से चला आ रहा है, वो ना करके हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि उससे सरकार की जो योजना चल रही है उसमें दो तरह के उपाय किए गए, एक अस्थाई उपाय और दूसरा अस्थाई उपाय। अस्थाई उपाय में हम लोग के यहाँ जो सुविधा मिल रही है उसमें हम लोग छाया, मलायन, मलाडी, अंतरासुया ये सब हम लोग लगाते हैं और उसी से हम लोग अपना दो बच्चों के बीच में इस तरीके से जनसंख्या पे कंट्रोल हो सकता है। और गवर्नमेंट इस पे कुछ प्रोत्साहन राशि वगैरह भी देती है ना। ये है जैसे एक महिला को ऑपरेशन कराने पर सरकार 2000 रुपया देती है ऑपरेशन कराने के बाद, और 3000 भी देती है अगर वो एक सप्ताह डिलीवरी के एक सप्ताह के अंदर अगर वो करा लेती है तो उसको 3000 दिया जाता है। पुरुष नसबंदी सबसे अच्छा है, वो आज लोगों को कराना चाहिए। पुरुष नसबंदी में भी हम लोग ऑपरेशन के बाद लाभार्थी को 3000 रुपया देते हैं। मैडम आज जनसंख्या दिवस है, इस पर जो प्रोग्राम अस्पताल में चल रहा है इस पर रोशनी डालें, किस तरीके से जनसंख्या पे कंट्रोल होगा और किस तरीके से महिला जागरूक होंगी। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में ये पखवाड़ा मनाया जाता है। इसकी शुरुआत ऐसे 27 जून से ही हो गई है, 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक ये योग्य दंपति संपर्क पखवाड़ा मनाया जाता है। उस दौरान आशा जो है वो घर घर जाकर एक सर्वे और एक लिस्टिंग तैयार करती है, जो भी योग्य दंपति, जो भी फैमिली प्लानिंग का मेथड है अस्थाई या अस्थाई यूज़ करना चाहते हैं उसकी एक लिस्टिंग तैयार करती है। साथ में जो इसके लिए इच्छुक हैं उनको प्रोवाइड भी कर देती है वो सामग्री, कॉन्ट्रासेप्टिव में जो भी मालाएं हैं, छाया है, कॉन्डम है, ईसी पील्स है, तो जैसे ये कॉन्डम है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। इसके लिए अस्पताल में कॉन्डम बॉक्स भी लगाए जाते हैं, जहाँ से बिना किसी को कोई भी कुछ भी बताए कोई व्यक्ति अपना इस्तेमाल मतलब के लिए ले सकता है। उसी तरह से डिस्प्ले ट्रे भी होता है जिसमें कि सभी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो लगे हुए रहते हैं, तो ये अस्पताल परिसर में सुविधा। तो संपर्क पखवाड़ा के दौरान आशा सारा जो सूची तैयार करती है योग्य दंपति का, उसको ऑपरेशन के लिए या जो भी चीज़ें हैं उसके लिए वो अलग लिस्ट तैयार करती है, और कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रोवाइड करने वाले योग्य दंपति हैं उसके लिए अलग लिस्ट तैयार करती है। तो ये आशा उस दरमियान कर लेती है। वही 11 से लेके 31 जुलाई तक वो सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जैसे जो सर्विस वो नहीं दे सकती, जैसे कॉपर टी लगवाना हुआ, पीपीआई सीडी हो गया, इंजेक्शन हो गया, ऑपरेशन कराना हुआ, ये 11 से 31 बीच इस ये सेवा सप्ताह जो इसको सेवा सप्ताह भी बोलते हैं, उस दौरान वो करवाती है। जैसे ऑपरेशन के लिए वो अस्पताल में लेके आई, ठीक है, तो इस तरह से वो एक पीरियड में वो जागरूक करती है और दूसरे पीरियड में वो लाकर सबको सेवा दिलवाती है। और हमारा इस पखवाड़ा का उद्देश्य यही है कि जो अनियंत्रित बढ़ती जनसंख्या है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको स्थिरीकरण बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप बच्चे ही नहीं पैदा करें, लेकिन वो अनकंट्रोल जो है, जो 4-5 का जो कॉन्सेप्ट पहले से चला आ रहा है
वो ना करके हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि उससे ज़्यादा नहीं। मैडम आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो प्रोग्राम आज अस्पताल कैंपस में हुआ है ये प्रोग्राम आम गांव में होना चाहिए, वार्डों में होना चाहिए, इस तरीके का प्रोग्राम? ये आपका कहना सही है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग अस्पताल के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। पब्लिक में जागरूकता का काम हो सकता है, इसके लिए हमारे यहाँ सारथी रथ हर ब्लॉक में चलाया जा रहा है। जी वही जागरूकता के लिए हम बोल रहे हैं। हाँ, जागरूकता के लिए सारथी रथ चलाया जा रहा है, सारथी रथ ई रिक्शा सभी ब्लॉक्स में 5 दिन जगह जगह घूम के ऑडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस पर हमारी क्षेत्र की आशा संबंधित NM भी रहती हैं जो लोगों को इकट्ठा करके इसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। मैडम ऐसा आपको नहीं लगता है कि कम पढ़े लिखे लोगों को समझाना काफ़ी टफ है या फिर उस पर मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए? आपकी आशा कहीं मेहनत नहीं कर पाती है, कई जगह ऐसा भी आपने सुना होगा, तो उसको कैसे आप कन्विंस करते हैं आपकी जो टीम मेंबर है आशा? इसमें हमारे जो ब्लॉक में ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर होते हैं जो कि इस तरह के आशा के चीज़ों को देखते हैं, कहीं भी अगर आशा को कोई समस्या होती है तो वो BCM को बताते हैं और उसका समाधान BCM के स्तर से, चाहे वो खुद जाके समझा दे या फिर आशा अगर उस उन बेनिफिशियरी को अस्पताल लेके आती हैं तो वहाँ पे भी वो BCM उनको समझाने का काम कर देते हैं। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम अनीता हुआ। किस पोस्ट पे हैं? मैं जिला सामुदायिक प्रेरक पोस्ट पर। जो प्रोग्राम है इसके बारे में कुछ बताओ। आज यहाँ सभी उपस्थित सज्जनों, आज जैसा कि आप जानते हैं विश्व जनसंख्या दिवस है ना, विश्व जनसंख्या दिवस है और उसके अवसर पर हम लोग मैंने जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा का उद्घाटन किए। इसका मतलब होता है कि विश्व जनसंख्या दिवस पर इसलिए हम लोग जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा मना रहे हैं क्योंकि जनसंख्या जो है एक बहुत ही अभिशाप बन गया है दुनिया के लिए, एक अभिशाप बन गया है और ये इतना अधिक होते जा रहा है कि एक विस्फोटक बन सकता है। इसीलिए इसको नियंत्रण करने के लिए हम लोग दिनांक 11 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक हम लोग पखवाड़ा नियंत्रण कैसे करें उसी के बारे में ये हम लोग कैंप का आयोजन किया है और इसका आज उद्घाटन किया है। और इसमें हम लोग जैसे अधिक से अधिक लोगों का अपना जनसंख्या कंट्रोल कैसे करें उसी पर हम लोग बताएंगे। हम लोग के पास जो भी संसाधन है, चाहे वो धरती हो, आकाश हो, पताल हो, ये सीमित है, लेकिन जनसंख्या तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसके चलते हम लोगों को एक दिन ऐसा समय आएगा कि लोग भूखे मरेंगे। हो सकता है कि उसको पानी पीने के ना मिले, जो हम लोगों को पताल हो, और खाना पीना भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमको धरती पर मिलता है। आकाश भी उतना ही बड़ा है और जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, जिससे हम लोगों को वक्त चाहे वायु मिलता है, इस तरह सब चीज़ हम लोग बहुत धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग माने ठीक से सुख से शांति से नहीं रह पाएंगे और इसीलिए हम लोगों को जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण करके ही हम लोग सुखी से सब माने रह सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को हम लोग स्वास्थ्य विभाग के तरफ से चाहे सरकार की योजना चल रही है उसमें दो तरह के उपाय किए गए, एक अस्थाई उपाय और दूसरा अस्थाई उपाय। अस्थाई उपाय में हम लोग के यहाँ जो सुविधा मिल रही है उसमें हम लोग छाया मलायन मलाडी अंतरासुईया ये सब हम लोग लगाते हैं और उसी से हम लोग अपना दो बच्चों के बीच में गैप रखते हैं। और अस्थाई के लिए हम लोग बंध्याकरण चाहे पुरुष नसबंदी करते हैं और अस्थाई के लिए शुरू से ही हम लोग आशा के द्वारा उस पर निगाह रखवाते हैं। जैसे ही शादी होता है किसी को
तो उसी समय से आशा को बता देते हैं कि आप लोग उस पर निगाह रखिए। उसके लिए राज्य के तरफ से हम लोगों को पहल किट भी मिला है, जो गिफ्ट के तौर पर शादी के समय दिया जाता है, ताकि और उसी समय गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है नई बहू को, और उससे आशा संपर्क करती है, संपर्क करके उसको समझाती है कि भाई पहला बच्चा 3 साल के बाद, उसके लिए क्या करना है, वो सब मेथड वो बताती है। इसके लिए हम लोग अस्थाई उपाय बताते हैं, जैसे सुइया तो उसमें नहीं लेना रहता है फर्स्ट में, लेकिन बोली मलाइन मलाडी या छाया इमरजेंसी पिल भी आता है, वो भी हम लोग को एडवाइस करते हैं कि उसको यूज करें, है ना। उसके बाद पहला बच्चा 3 साल के बाद, दूसरा बच्चा फिर 3 साल के बाद, 3 साल के बाद रोकने के लिए, पहला बच्चा के बाद दूसरा बच्चा को रोकने के लिए हम लोग मलाइन छाया पॉपर्टी और अंतरासी सभी का उपयोग उसमें कर सकते हैं। तो सर इस तरीके से जनसंख्या पे कंट्रोल हो सकता है, और गवर्नमेंट इस पे कुछ प्रोत्साहन राशि वगैरह भी देती है ना। जी है, जैसे एक महिला को ऑपरेशन कराने पर सरकार 2,000 रुपया देती है ऑपरेशन कराने के, और 3,000 भी देती है अगर वो एक सप्ताह डिलीवरी के एक सप्ताह के अंदर अगर वो करा लेती है तो उसको 3,000 दिया जाता है। पुरुष नसबंदी सबसे अच्छा है, वो आप लोगों को कराना चाहिए। पुरुष नसबंदी में भी हम लोग ऑपरेशन के बाद लाभार्थी को 3,000 रुपया देते हैं, और लेकिन लोग डरते हैं ऑपरेशन कराने से, पुरुष लोग ज़्यादा, लेकिन ऐसा कोई शिकायत नहीं है, हम लोग बहुत किए भी हैं, अभी तक कहीं से कोई शिकायत नहीं आया। मतलब आपके हिसाब से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कोई साइड इफेक्ट, अंतरा पर भी 100 रुपया मिलता है लेने वाले। ये क्या है सर? ये अंतरा सुई है जो 3 महीना के अंतराल पर दिया जाता है बर्थ कंट्रोल में। अच्छा अच्छा, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सोनेलाल राय, MIC। सर आप